नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगंध। यहाँ पे से अयोध्या की आज की 15 बड़ी खबरें, दिन भर की बड़ी अपडेट अयोध्या के राम मंदिर को लेकर आ रही है। कांग्रेस के नेता ने मचाया घमासान, तो दूसरी ओर अयोध्या में ट्रेनें बस हुई बंद, तीसरी तरफ मेरठ में गैस सिलेंडर फटा, पूरा सुरक्षा इंतजाम, 11,000 सीसीटीवी कैमरे आदि, एक दो हेलीकॉप्टर फेर कर रहे हैं सास। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या को अभय किला बना दिया गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी गई है। मशीन गन से लेकर AK-47 के लिए कमांडो तैनात किए गए हैं। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। सड़क पर जगह जगह कमांडो सायरन बजाती गाड़ियां नजर आ रही है। सीमाएं सील कर दी गई है। अब वही अयोध्या में एंट्री कर सकता है जिसके पास प्राण प्रतिष्ठा का न्योता और पास दिया गया है। 9 जोन में बांट दिया गया है राम मंदिर को, रेड जोन में डाला गया है। सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या को 9 जोन के अंदर बांटा गया है, राम मंदिर को रेड जोन के अंदर रखा गया है। पूरी खबरों पर हम नजर डालेंगे, इसी के साथ ही बड़े आगे। उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम बोलने के साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आज सबसे बड़ा दिन, जेपी नड्डा अयोध्या नहीं जाएंगे। कांग्रेस नेता ने किया दावा, मोदी पीएम नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता। अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का रविवार 21 जनवरी को आज सट्टा दिन है, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई है। अब 23 जनवरी तक सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए मेहमानों को ही पास दिखाकर एंट्री मिलेगी। उधर अयोध्या को 2000 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। वहीं आज शाम को रामलला की पुरानी प्रतिमा, रामलला विराजमान थे जिनकी पूजा हो रही है, उनको राम मंदिर ले जाया जाएगा। रामलला के साथ उनके तीनों भाई हनुमान और शालिग्राम भी मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी 22 जनवरी को अयोध्या आएंगे। वे यहाँ 4 घंटे रुकेंगे। पहले उनको 21 जनवरी को आने की सुचनाएं थी, लेकिन उन पर अब विराम लग चुका है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि बजाई जाएगी। विभिन्न राज्यों से आए कलाकार 50 से ज्यादा वाद्य यंत्रों के साथ पहुंच चुके हैं। इधर बड़ी खबर, रामदेव बाबा बोले हर तरफ माहौल राम ही है। योग गुरु रामदेव और अन्य साधुओं ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले यूपी के अयोध्या में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रामदेव ने कहा है कि आज हर तरफ माहौल राम का है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा और आदर्श त्याग पूरे विश्व में अब चर्चा हो रही है। हमें प्राण प्रतिष्ठा देखने का अवसर मिल रहा है। इधर राम की पैड़ी में 1,00,000 दिए जलाए जाएंगे। इसी बीच बड़ी खबर, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन राम की पैड़ी पर 1,00,000 और पूरी अयोध्या में 11,00,000 दिए जलाए जाएंगे। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर RAF जवान तैनात किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले रैपिड एक्शन फोर्स RAF के जवान लता मंगेशकर चौक पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इधर बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, का पीएम मोदी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बन पाता, प्रमोद कृष्णम का दावा। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है, ये बात ठीक है, लेकिन राम प्राण प्रतिष्ठा से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, अगर कोई और देश का प्रधानमंत्री होता तो मंदिर निर्माण नहीं हो पाता। इसीलिए मैं राम मंदिर का निर्माण रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन का सर्वाधिक श्रेय मोदी को देना चाहता हूं। कितनी सरकारें आई हैं, कितनी गई हैं, कितने प्रधानमंत्री आए हैं, राम मंदिर के लिए RSS बजरंग दल संत महात्माओं के कितने संघर्ष हैं, ये बड़ा बलिदान है। अगर मोदी पीएम नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बन पाता। और इसी बीच बड़ी खबर, पीएम मोदी के पहुंचने से पहले उनके काफिले की तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लिप की 3 गाड़ियां, एक जैमर युक्त फॉर्च्यूनर और 2 बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर अयोध्या पहुंच गई है, जो कि पीएम मोदी के पहुंचने से पहले काफिले की तैयारियां कर रही है। इसी बीच बड़ी खबर, अयोध्या जाने वाली ट्रेनों में चौकसी बढ़ा दी गई है। MP में प्रशासन मुस्तैद हो गया है, सुरक्षा के कड़े प्रबंध देखे जा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर, अयोध्या में बस और ट्रेन पर रोक लग गई है। वहीं अयोध्या में 13,000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, 10,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और शहरों में स्पीड बोट से निगरानी रखी जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन सुरक्षा व्यवस्था में लगभग 13,000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, 10,000 से ज्यादा CCTV एक एक गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगे। राम मंदिर के
पास लगे सीसीटीवी कैमरों में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। सभी सुरक्षा एजेंसियों और विभागों के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाएगी। इधर बड़ी खबर, अयोध्या की निगरानी में 31 आईपीएस और 25,000 जवान अब तक कैद कर दिए गए हैं। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या को अभय किला बना दिया गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी गई है। मशीन गन से लेकर AK-47 के लिए कमांडो तैनात किए गए हैं। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। सड़क पर जगह जगह कमांडो सायरन बजाती गाड़ियां नजर आ रही है। सीमाएं सील कर दी गई है। अब वही अयोध्या में एंट्री कर सकता है जिसके पास प्राण प्रतिष्ठा का न्योता और पास दिया गया है। एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक सभी ऊंचाइयों और इमारतों में स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि सरयू में सैर कर रही नावों पर भी स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। मंदिर के आसपास घरों में पहुंचे मेहमानों की लिस्ट तक चेक की जा रही है। अयोध्या में 25,000 से ज्यादा जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और 31 आईपीएस अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। सतो से लेकर सरयू नदी तक का स्नाइपर तैनात है। 10,000 सीसीटीवी और एआई से हर शख्स की पैनी नजर। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं। राम मंदिर की बात करें तो परिसर की सिक्योरिटी से लेयर है। अयोध्या 9 जोन में बांट दिया गया है। राम मंदिर को रेड जोन में डाला गया है। सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या को 9 जोन के अंदर बांटा गया है। राम मंदिर को रेड जोन के अंदर रखा गया है। कोई संदिग्ध चीज मंदिर तक न जाए इसके लिए क्रैश रेटेड बोलार्ड अंडर व्हीकल स्कैनर टाई किलर बूम बैरियर लगाए गए हैं। इन उपकरणों को हैंडल करने के लिए स्पेशल एसटीएफ टीम का गठन किया गया है। एटीएस कमांडो भी तैनात किए गए हैं। 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन 3 रास्तों को ग्रीन कॉरिडोर भी बना दिया गया है। इसके अलावा मंदिर के आसपास हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जाएगी। न ट्रेन गुजरेगी न बसें जाएंगी। पूरे शहर में जो भी शख्स आएगा उसका रिकॉर्ड पुलिस के पास होगा। इसके अतिरिक्त बड़ी खबर आ रही है, मेरठ में गैस सिलेंडर लगने से आग लगी है। जिंदा होमगार्ड जल गया है। मेरठ में रविवार तड़के सुबह बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक 2 मंजिला घर के अंदर होमगार्ड की जिंदा जलकर मौत हो गई है। होमगार्ड का पूरा परिवार रिश्तेदारी में गया हुआ था। ये थी अयोध्या से जुड़ी हुई 15 बड़ी खबरें। इसके अलावा मेरठ से भी जुड़ी हुई हमने आपको बड़ी खबर दी है। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।